अरे राम राम राम, पूरे दिन काम करते करते तो मेरी हालत ही खराब हो जाती है। पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। जी ये पानी पी लीजिए, इससे आपकी थकान कुछ कम हो जाएगी। लोहार तुरंत ही पानी का गिलास लेकर पानी पी लेता है। आहा, पानी पीने के बाद तो जैसे सारी थकान गायब हो जाती है। अजी आज मैंने फिर से वही सपना देखा था। अरे भाग्यवान, वो सपना तुम्हें बार बार इसलिए आता है क्योंकि तुम उस सपने के बारे में ही सोचती रहती हो। अरे भाग्यवान, अब और कितना सोओगी? चलो उठ जाओ, सुबह हो गई है। इतना सुनते ही लोहारिन की नींद खुल जाती है और वो उठकर खड़ी हो जाती है। अरे भाग्यवान, क्या बात है, आज तुम इतनी देर तक सोती रही। अजी आप मेरी बात क्यों नहीं मानते, आज मैंने फिर से वही सपना देखा। मुझे लगता है मुझे ये सपना ऐसे ही नहीं आ रहा, इसके पीछे जरूर कोई कारण है। आप मेरी मानो तो आज आप जंगल चले जाओ और जंगल में से उस चमकीले अखरोट को तोड़ कर ले आओ, मैं उस अखरोट को खाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है भाग्यवान, मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारे लिए वो अखरोट लेकर आता हूँ। इतना सोचकर लोहार अखरोट लाने के लिए चल पड़ता है। लोहार चलते चलते जंगल में काफी दूर निकल जाता है और उसी जंगल में पहुंच जाता है जहां पर वह अखरोट का पेड़ था। मैं तो चलते चलते काफी दूर निकल आया हूँ, लेकिन अभी तक अखरोट का पेड़ तो दिखा ही नहीं मुझे। लगता है यहाँ पर कोई भी अखरोट का पेड़ नहीं है। भाग्यवान का ये कोई भ्रम ही होगा। चलो अब मैं वापस चलता हूँ, लेकिन यहाँ तक आने का तो कोई भी फायदा नहीं हुआ। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा और आगे चलकर देखता हूँ, हो सकता है कि वो अखरोट का पेड़ वहीं पर मिल जाए। इतना सोचकर लोहार जंगल में आगे बढ़ता है। अरे वो पेड़ कैसा है, नहीं ये तो वो अखरोट, मुझे नहीं पता था कि ये अखरोट का पेड़ आपका है, नहीं तो मैं इसमें से अखरोट कभी नहीं तोड़ता। लेकिन तुमने ये अखरोट तोड़ा क्यों है? गिलहरी बहन, मेरी पत्नी प्रत्येक दिन अपने सपने में इस अखरोट के पेड़ को देखती है जिसमें ये सुनहरा अखरोट लगा हुआ होता है। फिर लोहार अपनी सारी कहानी उस गिलहरी को सुनाता है। लोहार की सारी कहानी सुनकर गिलहरी को उसके ऊपर दया आ जाती है। अच्छा ठीक है लोहार भाई, तुम इस अखरोट को ले जा सकते हो, पर हाँ ध्यान रखना, जब तुम्हारी पत्नी इस अखरोट को खाएगी तो उसे दो जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। जब वह बच्चे 20 साल के हो जाएंगे तो उन्हें यहीं पर लेकर आना, मैं उन दोनों का भविष्य तय करूँगी। गिलहरी की यह बात सुनकर लोहार बहुत खुश हो जाता है। गिलहरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर लोहार अपने घर वापस लौट जाता है। घर पहुंचकर सारी कहानी अपनी पत्नी को बताता है। लोहार की बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से उस अखरोट को तोड़ती है और उसे खा लेती है। लोहार को इसी प्रकार काफी दिन गुजर जाते हैं। 10 महीनों के बाद लोहार की पत्नी ने गिलहरी की कहे अनुसार ही 2 पुत्रों को जन्म दिया। पुत्र की प्राप्ति के बाद लोहार और लोहारिन बहुत खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे वह दोनों लड़के बड़े हो रहे थे। लोहार का बड़ा लड़का बड़ा ही कुटिल तथा दुष्ट स्वभाव का था, जबकि उसका छोटा बेटा बहुत ही दयालु तथा प्रेम बांटने वाला था। एक दिन की बात है, लोहार का बड़ा बेटा कान्हू एक धनुष बाण उठाता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है।
वह चलते चलते जंगल में काफी दूर तक निकल जाता है। तभी उसने देखा एक पेड़ पर एक कबूतर और कबूतरी बैठे हैं। अरे वाह, शिकार तो सामने ही है। चलो जल्दी से अपना धनुष संभालता हूँ और इन पक्षियों पर निशाना लगाता हूँ। तीर जैसे ही कमान से छूटता है तो सीधा जाकर कबूतर के लगता है। कबूतर तुरंत ही जमीन पर गिर जाता है। अरे दुष्ट, तूने क्या किया? तूने मेरे पति को तीर क्यों मार दिया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे मूर्ख चिड़िया, तू अपनी जुबान को ज्यादा ही चला रही है। रुक, मैं अभी तुझे मजा चकाता हूँ। इतना कहकर वो अपना तीर उस कबूतरी के ऊपर तान देता है। रुक जाइए भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? आखिर आप इन मासूमों को क्यों मार रहे हैं? आखिर इन्हें मारकर आपको क्या मिल जाएगा? तू हट जा प्रेम, आज मैं इस चिड़िया को जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं भैया, इस चिड़िया को मारने से पहले आपको मुझे मारना होगा, तभी आप इस चिड़िया को मार सकते हैं। चल चल ठीक है, तेरी वजह से आज मैं इन दोनों को जीवित छोड़ रहा हूँ, नहीं तो आज मैं इस चिड़िया को मार ही डालता। इतना कहकर कानू वहाँ से चला जाता है। अरे आपको तो बहुत ज्यादा चोट आ गई है, रुको मैं तुम्हारा तीर निकाल देता हूँ और तुम्हारे गांव के ऊपर दवाई लगा देता हूँ, जिससे तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। फिर प्रेम कबूतर के तीर निकाल देता है और जल्दी से कुछ दवाई की पत्तियां तोड़ता है और कबूतर के घाव पर लगा देता है। अरे बेटा, तुम तो कितने दयालु हो, लेकिन तुम्हारा भाई तुमसे एकदम विपरीत है। यदि आज आप नहीं आते तो वह दुष्ट हम दोनों की जान ले लेता। हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वह दोनों कबूतर और कबूतरी वहाँ से उड़ जाते हैं। अरे बेटा, आज तुम दोनों को मेरे साथ जंगल में चलना है। आज तुम दोनों का भविष्य तय होना है। ठीक है पिताजी, हम दोनों जरूर चलेंगे। इतना कहकर वे तीनों जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। वे तीनों चलते चलते जल्दी ही उस अखरोट के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। गिलहरी बहन, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। मैं अपने दोनों पुत्र को लेकर आपके पास आ गया हूँ। अब आप ही बताइए इन्हें क्या करना है। फिर वह गिलहरी अपने पास से ही दो अखरोट निकालती है, जिसमें से एक अखरोट बहुत ही चमकीला तथा दूसरा साधारण ही था। बेटा, अब तुम दोनों इसमें से एक एक अखरोट उठा लो। इन्हीं अखरोटों से तुम दोनों का भविष्य तय होगा। अरे वाह, ये चमकीला अखरोट तो कितना आकर्षक है। जरूर ये अखरोट मेरी किस्मत बदल देगा। मैं ऐसा करता हूँ, इस चमकीले अखरोट को ही उठा लेता हूँ। इतना सोचकर कान्हू पहले ही उस चमकीले अखरोट को उठा लेता है और उसका छोटा भाई उस साधारण अखरोट को ही उठा पाता है। अब तुम दोनों बारी बारी से अपने अखरोट को जमीन पर फेंको। गिलहरी की आवाज सुनते ही कान्हू अपना अखरोट जमीन पर फेंकता है। अखरोट जमीन पर गिरते ही अखरोट के दो टुकड़े हो जाते हैं। उस अखरोट में से एक सफेद रंग का शाही घोड़ा निकलता है, जिसकी पीठ पर एक तलवार बंधी हुई थी। अरे वाह, ये तो कितना शाही घोड़ा है और इसकी पीठ पर तो एक धारदार तलवार भी है। इस तलवार से तो मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ। इतना सोचकर कान्हू उस घोड़े पर सवार हो जाता है। पिताजी, आप दोनों घर वापस आ जाना, मैं चलता हूँ। फिर कान्हू अपना घोड़ा लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद प्रेम भी अपना अखरोट जमीन पर फेंकता है तो उसके अखरोट से एक चमकीला पत्थर निकलता है। बेटा, तुम इस पत्थर को अपने पास ही रखना। इस पत्थर से तुम किसी भी मृत जीव को जीवित कर सकते हो। इसके बाद वे दोनों वापस अपने घर के लिए चले जाते हैं। लेकिन पिताजी, भैया अभी तक घर वापस क्यों नहीं आए? वो तो हम दोनों से पहले निकले थे। हाँ बेटा, मुझे लगता है कि कान्हू कहीं घूमने के लिए चला गया होगा। तुम चिंता ना करो, वो जल्द ही आ जाएगा। पिताजी, अब तो रात हो गई है, अब तक तो भैया को आ जाना चाहिए था। इसी प्रकार बेचारे तीनों कान्हू की राह देखते देखते सो जाते हैं।
अजी कहीं हमारा बेटा किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, मुझे तो लगता है मेरा पुत्र जरूर किसी मुसीबत में फंस गया होगा। भाग्यवान तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं आज ही अपने पुत्र को ढूंढने के लिए जाता हूँ। इतना कहकर विनोद निकल पड़ता है। वह गांव में कई सारे लोगों से कानू के बारे में पूछता है, लेकिन कानू का कोई अता पता नहीं था। वह पूरे जंगल में इधर उधर घूमता है, लेकिन उसे कानू कहीं भी नहीं मिलता। लोहार और लोहारिन तथा वह लड़का तीनों बहुत चिंतित थे, लेकिन कानू का कोई भी पता नहीं था। आखिर कानू मिलता भी कैसे, वह तो घोड़ा और तलवार पाकर अहंकार से भर चुका था, इसलिए वह कुंभल राज्य पर आक्रमण कर देता है तो राजा के सैनिक उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल देते हैं। महाराज हमारी पुत्री तो विवाह की योग्य हो चुकी है, इसलिए हमें अपने पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढना चाहिए। हाँ महारानी जी, ये चिंता तो मुझे भी सता रही है। मैं ऐसा करता हूँ, कल सुबह ही मैं अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढने के लिए जाऊँगा। जैसे ही आधी रात होती है तो राजकुमारी बहुत ही गहरी निद्रा में सो जाती है। तभी वहाँ पर एक जहरीला सर्प उसके पलंग के पास आ जाता है और राजकुमारी को डस लेता है। अरे पुत्री उठ जाओ, सुबह हो गई है, तुम इतनी देर से सो रही हो। महारानी के बार बार बोलने पर भी जब राजकुमारी नहीं उठी तो महारानी ने राजकुमारी की चादर खींच ली तो देखा कि किसी सर्प ने राजकुमारी के हाथ पर काट लिया है। हाय राम राम राम, ये क्या हो गया मेरी पुत्री को? महाराज जल्दी आइए, हमारी पुत्री को किसी जहरीले सर्प ने काट लिया है। इतना सुनते ही राजा वहाँ पर आ जाता है। अरे पुत्री ये तुम्हें क्या हो गया, मैं तुम्हारे लिए पता नहीं कितने बड़े बड़े सपने देख रहा था और तुम हमें छोड़कर चली गई। महाराज ये समय आंसू बहाने का नहीं है, हमें किसी झाड़ फूक करने वाले साधु को बुलाना चाहिए। सैनिकों जाओ और पूरे राज्य में ये घोषणा कर दो, जिसने भी मेरे राजकुमारी को ठीक कर दिया मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा और राजकुमारी का विवाह भी उसी के साथ कर दूंगा। राजा का आदेश होते ही सारे सैनिक पूरे राज्य में घूम घूम कर घोषणा करने लगते हैं। सुनो सुनो सुनो, राजा की पुत्री को एक जहरीले सर्प ने काट लिया है, जिसकी वजह से राजकुमारी की मृत्यु हो गई है। यदि कोई इंसान राजा की पुत्री को ठीक कर देगा तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देगा तथा राजकुमारी का विवाह भी उसी युवक के साथ कर देगा। सुनो सुनो सुनो, राजा की पुत्री को एक जहरीले सर्प ने काट लिया है, जिसकी वजह से राजकुमारी की मृत्यु हो गई है। यदि कोई इंसान राजा की पुत्री को ठीक कर देगा तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देगा तथा राजकुमारी का विवाह भी उसी युवक के साथ कर देगा। लोहार के बेटे ने जैसे ही यह बात सुनी तो वह मन ही मन बहुत ही खुश होता है और सारी बात अपने पिता को जाकर बता देता है। अच्छा ठीक है पिताजी, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर प्रेम वहाँ से निकल पड़ता है और जल्दी ही राजमहल में पहुँच जाता है। महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं राजकुमारी को जीवित कर सकता हूँ। हाँ हाँ युवक क्यों नहीं, अभी तक तो इतने सारे लोगों ने कोशिश की है लेकिन कोई भी मेरे पुत्री को ठीक नहीं कर पाया है, अब तुम भी प्रयास करके देख लो। राजा की आज्ञा मिलते ही प्रेम अपना वही चमत्कारी पत्थर निकालता है और राजकुमारी के माथे पर उस पत्थर को स्पर्श करा देता है। पत्थर के स्पर्श होते ही राजकुमारी के अंदर फिर से प्राण आ जाते हैं और राजकुमारी पुनः उठकर खड़ी हो जाती है। यह देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और बड़े ही धूमधाम से दोनों का विवाह करवा देते हैं। अब तो प्रेम खुद एक राजा बन चुका था। महाराज आज आप इतना दुखी क्यों लग रही है, क्या बात है? कुछ नहीं राजकुमारी जी, आज मुझे मेरे भैया की याद आ गई थी, पता नहीं वो कहाँ होंगे और किस हालत में होंगे। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो कहीं नहीं मिले। फिर प्रेम अपनी सारी कहानी राजकुमारी को बताता है। लेकिन स्वामी
आज से कुछ महीने पहले ही एक ऐसा ही युवक आया था और उसने हमारे राज्य पर आक्रमण किया था, तो हमारे पिताजी ने उस युवक को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। प्रेम ने जैसे ही यह बात सुनी तो वह तुरंत कारागार के पास जाता है तो देखता है उसका बड़ा भाई कारागार के अंदर बंद है। भैया, आप इस कारागार के अंदर कैसे आ गए? कान्हू ने जैसे ही यह बात सुनी तो वह तुरंत उठ खड़ा होता है और सामने देखता है तो उसका छोटा भाई खड़ा होता है। अपने छोटे भाई को देखकर कान्हू रोने लगता है। भैया मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ। मैं हमेशा तुम्हें छोटी छोटी बातों पर धिक्कारता रहता था। अहंकार में मैं अंधा हो चुका था। इस अहंकार की मद में चूर होकर मैं इस कारागार में आ गया। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। नहीं भैया, आप माफी मत मांगिए। यदि आपको अपनी गलती का पश्चाताप हो चुका है तो आप पूरी तरह शुद्ध हो चुके हैं। सैनिकों, इस कारागार का दरवाजा खोल दिया जाए। इतना कहते ही सैनिक